इधर छत्तीसगढ़ में तीन शहरों के नाम बदले गए हैं। चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोना खान का नाम बदल दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश जारी किए। चंदखुरी का नया नाम माता कौशल्या धाम चंदखुरी होगा। गिरौदपुरी का नया नाम बाबा गुरु घासीदास धाम होगा गिरौदपुरी। सोना खान का नया नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान होगा। तो तीन शहरों के नाम यहां पर बदले गए, इसको लेकर दिशा निर्देश भी दे दिए गए। गिरौदपुरी का नाम बदल दिया गया, गिरौदपुरी का नाम देखिए, सोना खान का नाम नया शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान होगा। इसके अलावा चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोना खान, इन तीनों शहरों का नाम बदला गया। तो छत्तीसगढ़ के तीन शहर अब इन नए नामों से पहचाने जाएंगे। तीन शहरों के नाम बदल दिए गए हैं। चंदखुरी का नया नाम माता कौशल्या धाम चंदखुरी होगा। गिरौदपुरी का बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी। सोना खान का नया नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान। और रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी से खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष जी, तीन शहरों का नाम ये बदला गया, इसके पीछे कोई खास वजह या फिर बहुत दिनों से ये पाइपलाइन में था कि नाम बदले जा सकते हैं? आशीष, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो छत्तीसगढ़ में तीन शहरों के नाम यहां पर बदले गए हैं और ये तीन शहर चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोना खान का नाम बदल दिया गया। खबर है रायपुर से, मंत्रालय में उप मंत्रिमंडल समिति की बैठक हुई। सड़क सुरक्षा और मरम्मत ट्रांसफर नीति पर बैठक हुई। जर्जर सरकारी भवनों की मरम्मत को लेकर बैठक हुई। सदुपयोग और विकास मामलों पर अलग अलग बैठक हुई। तो बैठक में ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, प्रेम साय सिंह टेकाम शामिल हुए। इसके अलावा मंत्री शिव कुमार डहरिया और अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का बड़ा बयान कि कमेटी फैसला लेकर रूपरेखा तैयार करेगी। सीएम की मंजूरी के बाद रूपरेखा को लेकर जारी होगा आदेश, गृहमंत्री का यह कहना है। तो बैठक में ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, प्रेम साय टेकाम शामिल हुए। तो सीएम की मंजूरी के बाद रूपरेखा पर जारी होगा आदेश, गृहमंत्री का यह कहना है। तो सड़क सुरक्षा और मरम्मत ट्रांसफर नीति पर यह अहम बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक। सत्या राजपूत इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सत्या, बैठक में क्या कुछ निकल कर आया, क्या क्या मसले रहे हैं? देखिए, आज की जो मैराथन बैठक हुई है उसमें तीन अलग अलग मुद्दों को लेकर उप मंत्रिमंडलीय समिति की जो बैठक है, जिसमें जो है अगर गृह मंत्री जो है ताम्र साहू है और शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम है और श्रम मंत्री जो है शिव डहरिया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर जो है ये बैठक में शामिल हुए हैं। और उसमें जो है तीन अलग अलग बैठक हुई है जिसमें है रोड सेफ्टी और ट्रांसफर नीति एवं सरकारी जर्जर भवन का विकास एवं जीर्णोद्धार। तो ये तीनों बैठक जो है आज जो आयोजित मंत्रालय में की गई है और जिसमें से दो बैठक हो चुकी है, जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में निर्णय लिया गया है कि कब से कब तक जो है इसका अभियान जो है संचालित किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं पीडब्ल्यूडी के मरम्मत को लेकर भी चर्चा हुई है, कितने रोड जो है मरम्मत के लायक है, कितने रोड के लिए पैसा जारी करना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ में जो है ट्रांसफर नीति को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें जो फैसला लिया गया उसको गोपनीय रखा जाएगा, उसको सीएम हाउस सीएम के पास भेजा जाए और सीएम जो है अंतिम रूप देकर इसको जो है नीति के रूप में जारी किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें सरकारी भवनों को लेकर, जर्जर भवनों को लेकर, तो इसको लेकर चर्चा जारी है। इसमें छह मुख्य रूप से एजेंडा लिया गया है जिसमें कितनी राशि और कितने एकड़ में जो बने हुए भवन है उसका जो है जीर्णोद्धार है, कितने खर्चे आएगी, उसको किस रूप में जो है बनाया जा सकता है, कब तक उसको बनाना है, किसको डिसमेंटल करना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल सत्या, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।